ओके चलो ठीक स्टार्ट करते हैं। अभी तक हमने क्या किया, हमने सबसे पहले काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस से स्टार्ट किया था। काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस में हमने एवरेज प्रेशर का फॉर्मूला किया, फिर हमने उसके साथ साथ क्या किया, कैलोरीमीटर का कॉन्सेप्ट किया, लेटेंट हीट किया, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन एंड लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन इसका कॉन्सेप्ट किया, और कब लगता है एम सी डेल्टा टी और कब लगता है एम एल, क्यू इज इक्वल टू एम एल और क्यू इज इक्वल टू एम सी डेल्टा टी, ये भी हमने डिस्कस किया राइट। और हम कुछ ये शीट डिस्कस कर रहे थे लास्ट टाइम और मैं वहीं उसके ऊपर वापस आऊँगा। तो मैं आज का लेक्चर जो अभी स्टार्ट करने जा रहा हूँ वो काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस के आए हुए कुछ क्वेश्चन हैं जिससे मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ। 2018 का क्वेश्चन है, 2018 का केटीजी में से क्या क्वेश्चन आया है उसको एक बार डिस्कस करते हैं। तो आपको ये शीट मिली होगी, आप प्लीज़ इसे ओपन कर सकते हैं, और मिल गई सबको। और जो रिकॉर्डिंग सुन रहे हैं वो A76 शीट का प्रिंट आउट लेंगे, A76। तो इस साल का क्वेश्चन क्या आया इसमें से कि मास ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल इज गिवन, ठीक है, एक हाइड्रोजन मॉलिक्यूल है जिसका मास हमें गिवन है। इफ 10^23 हाइड्रोजन मॉलिक्यूल स्ट्राइक पर सेकेंड, एक सेकेंड में इतने मॉलिक्यूल्स स्ट्राइक करते हैं किसे, एक दीवार को, वॉल को, जिसका एरिया कितना है 2 cm² है, और कितने एंगल पर करते हैं, एट एन एंगल ऑफ 45 डिग्री करते हैं, ठीक 45 डिग्री करते हैं टू दी नॉर्मल। तो ये नॉर्मल है वॉल का, ये वॉल है, ये वॉल का नॉर्मल है, तो ये हाइड्रोजन मॉलिक्यूल आया 45 डिग्री पे हिट किया, 45 पे वापस चला गया, ठीक। तो एंड रीबाउंड इलास्टिकली, यानी कि एनर्जी लॉस नहीं होगा, तो अगर री वेलोसिटी से ये बॉल या ये हाइड्रोजन एटम आ रहा है तो वी से ही वापस चल जाएगा। विद अ स्पीड ऑफ 10^3 मीटर पर सेकेंड फाइंड द प्रेशर ऑन द वॉल। मुझे पता है कि प्रेशर क्या होता है, प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स डिवाइडेड बाई एरिया। अगर मैं इस हाइड्रोजन एटम की वजह से फोर्स निकाल दूं दीवार पे कितनी है, उसको एरिया से डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा, प्रेशर आ जाएगा। फोर्स निकालने का तरीका वर्क एनर्जी पार से हमने किया था, अगर आपको याद हो सेम डायग्राम, एग्जैक्टली सेम डायग्राम मैंने बनाया था बॉल के साथ। तो मैंने सिखाया था कि अगर बॉल आ रही है विद द मोमेंटम ऑफ एम वी और बॉल जा रही है विद द मोमेंटम ऑफ एम वी, तो ये इनिशियल मोमेंटम है, इस वेक्टर को आगे की तरफ कंटिन्यू करेंगे कितना एम वी, तो ये आपके पास क्या जाएगा एम वी वेक्टर, दैट इज इनिशियल मोमेंटम, और ये क्या जाएगा फाइनल मोमेंटम। तो क्योंकि ये 45 ये 45 तो बाई वर्टिकली ऑपोजिट ये भी 45 हो जाएगा, तो ये इनिशियल मोमेंटम वेक्टर जिसके दो कॉम्पोनेंट होंगे, एक एम वी कॉस 45 एक एम वी साइन 45, और ये फाइनल मोमेंटम है एम वी जिसके दो कॉम्पोनेंट होंगे एम वी कॉस 45 एम वी साइन 45। कॉम्पोनेंट्स क्लियर हो गए, बिल्कुल सेम क्वेश्चन वर्क एनर्जी पार के अंदर हमने किया हुआ है। तो इसके अंदर क्या होगा, हम अगर फोर्स की बात करते हैं तो वाई एक्सिस में मोमेंटम कितना है एम वी साइन 45 और दूसरा इनिशियल कितना है एम वी साइन 45, फाइनल भी कितना है एम वी साइन 45, तो चेंज इन मोमेंटम कितना है जीरो, बिकॉज बोथ वेक्टर आर एक्टिंग इन सेम डायरेक्शन, तो चेंज इन मोमेंटम इज इक्वल टू जीरो। तो अगर y एक्सिस में चेंज इन मोमेंटम जीरो है तो फोर्स की वैल्यू भी y एक्सिस में जीरो है। और रही बात किसकी, x एक्सिस की, तो हमने काफी बार ऐसा क्वेश्चन किया रीबाउंड वाला कि अगर एक बॉल mv वेलोसिटी से आ रही है और mv से वापस जा रही है तो चेंज इन मोमेंटम जीरो नहीं बोला करते, mv माइनस माइनस mv यानी कि 2mv होता है। तो उसी तरीके से ये आपका फाइनल मोमेंटम है, ये आपका इनिशियल मोमेंटम है, तो चेंज इन मोमेंटम x एक्सिस में क्या होगा, फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। तो फाइनल में से जब इनिशियल माइनस करोगे तो साइन क्या लगेगा, माइनस, क्योंकि डायरेक्शन दोनों की ऑपोजिट है। तो यहां पर चेंज इन मोमेंटम क्या आ जाएगा, 2mv cos ऑफ 45, तो चेंज इन मोमेंटम बाय टाइम क्या होती है फोर्स। तो y एक्सिस में फोर्स होगी नहीं, और फोर्स सिर्फ किस एक्सिस में होगी, x में होगी, क्या पॉइंट समझ में आ रहा है। तो आपके पास ये फोर्स की वैल्यू पता लग जाती है, लेकिन ये कितने एटम की फोर्स है, एक, एक ऐसे कितने स्ट्राइक करते हैं 10^23 मॉलिक्यूल स्ट्राइक करते हैं राइट, इतने मॉलिक्यूल स्ट्राइक करते हैं, तो टोटल फोर्स क्या हो जाएगी, इसको किससे मल्टीप्लाई कर देना है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल से। तो आप चेक कर सकते हो टोटल फोर्स इज इक्वल टू 2mv cos 45 तो यही है,
इनटू क्या करेंगे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स डिवाइडेड बाय टाइम। कुड आउट इसमें तो टोटल फोर्स निकाल लें इतने मॉलिक्यूल्स की, एक मॉलिक्यूल की फोर्स तो आ गई हमें, तो टोटल फोर्स के लिए हम क्या करेंगे, टोटल फोर्स में ये कुछ नहीं किया हुआ है, मैं आपको बता देता हूं n का मतलब गिवन है 10^23, मतलब मैंने ये साइड पे कैलकुलेट करके बताया m, n और टाइम की वैल्यू क्या होगी। तो m का मतलब मास ऑफ ईच मॉलिक्यूल गिवन है 3.32 × 10^-27, n का मतलब नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स गिवन है 10^23, और टाइम का मतलब डिवाइडेड बाय कर लेना करेक्शन 1, 10^23 डिवाइडेड बाय 1, क्योंकि टाइम इसमें कितने सेकंड में 10^23 मॉलिक्यूल्स हैं 1 सेकंड में। कुड आउट इसमें पॉइंट समझ में आ रहा है यहां तक राइट right? तो यार ये अगर नहीं करना तो मत करो, सीधा यहां वैल्यू पुट कर दो, m पता है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पता है और टाइम की जगह 1, तो यहां सारी वैल्यू पुट करोगे तो क्या आ जाएगी, फोर्स की वैल्यू आ जाएगी, फोर्स को अगर एरिया ऑफ वॉल से डिवाइड करोगे तो क्या आ जाएगा, प्रेशर आ जाएगा। ये 2018 का क्वेश्चन आया है, मुझे लगता है कि इसमें केटीजी है कहां, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस में तो नाम का ही हाइड्रोजन मॉलिक्यूल में ज्यादा चल रहा है, यूज कहां हो रहा है, तो वर्क पर एनर्जी की कैटेगरी का क्वेश्चन है और मुझे लगता है ये एक्सट्रीमली इजी क्वेश्चन की कैटेगरी में जाएगा, ये बनता है करेक्ट होना। और मजे की बात है 2017 के अंदर लास्ट ईयर रिकॉर्डिंग, अब दिखाऊंगा अपने असाइनमेंट, एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन करवाया वो क्वेश्चन था, बस फर्क ये था मैंने 45 डिग्री नहीं दिया था, मैंने सेम क्वेश्चन करवाया हेड ऑन, ये 0 डिग्री पे, मतलब नॉर्मल के साथ हाइड्रोजन गया वापस आ गया राइट। तो पॉइंट समझ में आ रहा है यहां तक, तो कहीं ना कहीं मिलते जुलते क्वेश्चन ही आने वाले हैं, अगर जिसको वर्क पर एनर्जी आता है उसको करना कितना आसान है। फिर इसी 2018 में एक और क्वेश्चन आया 2018 में, क्या द वैल्यू क्लोजेस्ट टू द थर्मल वेलोसिटी ऑफ हीलियम, कह रहे बताओ अप्रोक्सीमेट वैल्यू किसकी, थर्मल वेलोसिटी। थर्मल वेलोसिटी क्या होती है, जो एटम्स या जो मॉलिक्यूल मूव करते हैं गैस में वो जिस वेलोसिटी से मूव करते हैं वो टेम्परेचर डिपेंडेंट होते हैं, वो सब टेम्परेचर पर डिपेंड करता है, तो टेम्परेचर पे जो डिपेंड करता है मॉलिक्यूल उसको जो वेलोसिटी अक्वायर होती है दैट डिपेंड्स अपॉन टेम्परेचर इज नोन एज थर्मल वेलोसिटी, यानी कि वेलोसिटी की वैल्यू निकालनी है। वेलोसिटी की वैल्यू निकालनी है कब, जब टेम्परेचर कितना है 300 केल्विन है, और वैल्यू ऑफ कौन सा एटम है, हीलियम है, हीलियम राइट। अगर आप ध्यान से याद करें हमने लास्ट लेक्चर में एक एच सी वर्मा की पूरी थ्योरी पढ़ी थी, वो क्या कहता था कि एक मॉलिक्यूल की अगर आप बात करते हो एक मॉलिक्यूल की, तो एक मॉलिक्यूल की एनर्जी को कैसे लिखा जाता था, अगर आपको याद होगा, हाफ मॉलिक्यूल का मास इनटू वेलोसिटी का स्क्वायर राइट। और अगर मैं ये बोलूं कि मेरे पास तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स एन है गैस में, तो कोई बात नहीं, मैंने सिखाया था आप इस पूरे रिजल्ट को किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, एन से, ये बात हुई थी। फिर उसके बाद मास ऑफ ईच मॉलिक्यूल इनटू नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स क्या हो जाएगा, टोटल ऑफ द गैस, तो ये क्या आ जाएगी, टोटल काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस। तो अगर तो मैं कैपिटल एम पूरी गैस का मास यूज करता हूं फिर तो टोटल एनर्जी आ गई, अगर मैं छोटा एम यूज करता हूं तो एक मॉलिक्यूल की एनर्जी आ गई। कोई डाउट इसमें, समझ में आ रहा है यहां तक, तो एक मॉलिक्यूल की एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर से आती है, ये हमने ऐसा किया था अगर कुछ याद हो तो, नहीं भी किया तो वैसे कॉमन सेंस से पता लगता ही है ये तो, लेकिन हम इन चक्करों में थोड़ा कम पढ़ते हैं कि मतलब हाफ एम वी स्क्वायर से कैलकुलेशन बहुत लेंथी प्रोसेस है। इसकी जगह एक लॉ किया जिसको बोलते हैं लॉ ऑफ इक्वी पार्टीशन, नाम ही नहीं याद, लॉ ऑफ इक्वी पार्टीशन एनर्जी। अब तो बस दे लो अब टेस्ट पेपर, उसके बाद ही देखें हम क्या करना है। ठीक, लॉ ऑफ इक्वी पार्टीशन एनर्जी ये बोलता है कि आपको ये पर मॉलिक्यूल की एनर्जी काइनेटिक कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, आप सिर्फ ये बताओ कि एक मॉलिक्यूल, जो एक मॉलिक्यूल है उसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम की, एक डिग्री ऑफ फ्रीडम की एनर्जी क्या होती है, हाफ की, फॉर वन मॉलिक्यूल की बात हो रही है, हाफ केटी। बोलो ये कौन सी गैस है, हीलियम, मोनोटॉमिक, मोनोटॉमिक है, तो मोनोटॉमिक गैस में डिग्री ऑफ फ्रीडम कितने होते हैं, 3, तो 3 × ½ kT, और ये कितने मॉलिक्यूल की बात हो रही है, 1। क्या स्टेप समझ में आ रहा है यहां तक, तो हम ऐसे क्यों करें, हम ऐसे क्यों करेंगे, एक मॉलिक्यूल की एनर्जी हम ऐसे कर लेंगे, बात तो एक ही है, चाहे ऐसे कर लो चाहे ऐसे कर लो, एक ही बात होती है ये, तो ठीक है एक बात है तो कर लो। तो एक हमने टेम्परेचर की फॉर्म में लॉ ऑफ इक्वी पार्टीशन एनर्जी से फॉर्मूला लगाया मोनोटॉमिक गैस का, डन।
और एक फॉर्मूला तो हमें, और ये तो कॉमन सेंस से पता ही है, एनर्जी किसके इक्वल होगी, एक मॉलिक्यूल की एनर्जी जो कि क्या होती है मोनोटोमिक गैस की हाफ एमवी स्क्वायर, इक्वेट करके वेलोसिटी आ गई। तो यहां पर ए फॉर बोल्ट्समैन कांस्टेंट वैल्यू याद कर लो, नहीं गिवन होगी, लिख लो पॉइंट टू रिमेंबर, आई हैव टू लर्न द वैल्यू ऑफ बोल्ट्समैन कांस्टेंट, एक तो ये भी पता होना चाहिए स्टूडेंट को। और दूसरा मास किसका, हीलियम का, हीलियम का मास क्या होता है, 4 times मास ऑफ प्रोटॉन, ये पता होना चाहिए, उसके बाद ही आंसर आएगा। इजी है वैसे, पॉइंट समझ में आ रहा है, मतलब केटीजी के ऊपर एक क्वेश्चन तो आना ही है, और जिसका कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर है, देखो आप उसके लिए कुछ भी नहीं है, ये एकदम क्लियर दिख रहा है, राइट right? मेरे ख्याल से इजी क्वेश्चन आया ये तो। और नेक्स्ट जो क्वेश्चन आया हुआ है, ये क्वेश्चन आया है, ये भी 2018 का क्वेश्चन है। देखो क्वेश्चन क्या है कि सपोज 2 moles ऑफ हीलियम, ठीक है, 2 moles है हीलियम के, एंड मिक्स्ड विद n moles हाइड्रोजन, ठीक है, n moles ऑफ हाइड्रोजन है, 2 moles ऑफ हीलियम है, और क्या गिवन है मिक्सचर का, देखो इंपॉर्टेंट है, गामा फॉर मिक्सचर लेने की बजाय उसने सीपी बाय सीवी बोल दिया, पर हमें मालूम है ये गामा होता है, मिक्सचर का गामा हमें पता है, बताओ कितने मोल्स है, एन की वैल्यू कितनी हाइड्रोजन की, ये क्वेश्चन है, ठीक। देखो अभी जैसा भी लगेगा, पर इतना भी आसान नहीं होता, चाहे मुश्किल क्वेश्चन नहीं है मैं सच बताऊंगा, बट जब भी मिक्सचर की बात होती है ना, मिक्सचर की, तो मेरे को तो एक चीज समझ में आती है, कोई फॉर्मूला समझ में आए या ना आए, एनर्जी जो इंटरनल होती है यू, वो ऐड हो जाती है। हमने लास्ट टाइम भी शायद डिस्कस किया था कि जब भी मिक्सचर का कोई फॉर्मूला आपको नहीं भी याद आता, तो मिक्सचर के लिए एटलीस्ट ये फॉर्मूला तो वैलिड होता है। क्या बात समझ में आती है? तो इंटरनल एनर्जी फर्स्ट गैस की, इंटरनल एनर्जी सेकेंड गैस की एड करेंगे तो इंटरनल एनर्जी मिक्सचर की, ठीक हो गया। अब मुझे यह समझ में आता है कि गामा मुझे किसका गिवन है, मिक्सचर का गिवन है, कितना, 3/2, प्लीज ये करेक्ट, ये क्रॉस कर देना असाइनमेंट में,
गलती से उल्टा फॉर्मूला लिखा गया, ये फॉर्मूला सही लिखा गया, फ्लूड लगाना था भूल गया लगाना, तो ये आना चाहिए था, मिक्सचर का गामा इज 1+2/f। तो जो गामा का फॉर्मूला डिग्री ऑफ फ्रीडम से होता है वो ये होता है। तो अगर गामा मिक्सचर का कैलकुलेट कर रहे हो तो डिग्री ऑफ फ्रीडम भी मिक्सचर की ही कैलकुलेट करोगे, कोई डाउट इसमें? तो मिक्सचर का गामा इज इक्वल टू 1+2/f ऑफ मिक्सचर। समझ में आता है यहां तक? अब मैंने ये क्यों किया? मैंने इसलिए किया क्योंकि मिक्सचर का गामा मुझे पता है, मिक्सचर का गामा बोलो कितना गिवन है, 3/2। तो एक काम करते हैं, मिक्सचर का गामा पुट कर लेते हैं 3/2, तो डिग्री ऑफ फ्रीडम किसकी आ जाएगी, मिक्सचर की। मिक्सचर की डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या आ गई, 4। कर लोगे सॉल्व? तो गामा और मिक्सचर लगा के डिग्री ऑफ फ्रीडम मिक्सचर की आ गई। अब मुझे यह पता है कि कौन कौन सी दो गैसेज है, बताओ। एक हीलियम है, हीलियम कौन सी गैस है, मोनो की डायटोमिक, मोनोटॉमिक है, और दूसरी गैस कौन सी है, हाइड्रोजन है, कौन सी है, डायटोमिक है। तो मोनो और डायो को मिक्स कर दिया हमने, मोनो और डायो को जब मिक्स किया तो मुझे पता है कि एनर्जी की वैल्यू यू जो मिक्सचर की होगी वो U1+U2 के इक्वल होगी, ये समझ में आता है। और जो एनर्जी का फॉर्मूला होता है, अगर आपको याद हो इसका फॉर्मूला, NFRT/2 डिग्री ऑफ फ्रीडम और नंबर ऑफ मोल्स की फॉर्म में। मान लो फर्स्ट गैस N1 है, F1 है एट टेम्परेचर T, N2, F2, RT/2, और मिक्सचर के लिए N1+N2 इनटू मिक्सचर का डिग्री ऑफ फ्रीडम RT/2, तो ये लिखना बनता है 222 भी क्या हो जाएगा, कांस्टेंट। तो मिक्सचर का डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या बनता है, N1 F1 N2 F2 N1+N2, मिक्सचर का डिग्री ऑफ फ्रीडम आ गया। एक नया फॉर्मूला ऐड करो, बुकलेट में लिखना, जहां मिक्सचर ऑफ गैसेस का सीवी निकाला था ना, हमने लिखा हुआ बुकलेट में N1C1 N2C2 / N1+N2, ऐसे मिक्सचर का सीपी भी आता है, मिक्सचर का सीवी भी आता है, मिक्सचर का डिग्री ऑफ फ्रीडम का फॉर्मूला नोट करो प्लीज, बुकलेट में। इसलिए कह रहा हूं, वो सारे फॉर्मूले लिखे हुए हैं ना, तो याद रखोगे। पेज नंबर बता दो, कहां पे लिखे हैं, पेज नंबर 54, बुकलेट का पेज नंबर 54 पे प्लीज लिख लें, बुकलेट का पेज नंबर 54। एफ फॉर मिक्सचर का फॉर्मूला, राइट। वैसे अगर भूल भी गए तो मैंने आपको टेक्निक बता दी है एनर्जी वाली, वो तो यूनिवर्सल टेक्निक है, हर जगह काम आई जाती है वो। ठीक, लिख लिया, तो स्टार्ट करें। देखो मिक्सचर ऑफ गैस, देखो मिक्सचर के अंदर ये फॉर्मूला लगेगा, मिक्सचर का डिग्री ऑफ फ्रीडम हमने ऊपर से निकाला हुआ है कितना, 4। जो पहली गैस है उसमें नंबर ऑफ मोल्स कितने के बने, 2। दूसरी गैस के निकालने हैं, पहली गैस क्या है, हीलियम मोनोटॉमिक है, हाइड्रोजन डायटोमिक है, 3 और 5। डिग्री ऑफ फ्रीडम एक की मोनोटॉमिक की 3 और डायटोमिक की 5, नंबर ऑफ मोल 2 और N2। सॉल्व करके N2 आ गया। बोलो इजी मुश्किल की बहुत मुश्किल, इजी है, ऐसे क्वेश्चन आ जाए तो और क्या चाहिए। वो फर्स्ट टाइम आपको नो डाउट आपको लगेंगे, लेकिन जब आप रिवाइज करेंगे बार 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 बार, तो ये सच में इजी कैटेगरी ऑफ क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन मिक्सचर के आ जाए और क्या चाहिए। ठीक, फिर देखो क्या बढ़िया क्वेश्चन बनाया उसने, ये क्वेश्चन आया 2017 में। देखो मैं आपको बताता हूँ क्वेश्चन जो है बनाने वालों की जो सोच है वो कैसे चलती है, और देखो कैसे गलत भी करवा सकते हैं क्वेश्चन को। CP-CV की वैल्यू क्या होती है, R होती है।
तो उसने क्वेश्चन में कहा कि ये तो मैंने स्टार लगा दिया, वो अलग बात है, क्वेश्चन में स्टार नहीं लग जाते, मतलब इसकी इंपॉर्टेंस है। लोग तो फटाफट, अच्छा क्या गिवन है, वो लाइनें कहाँ पढ़ते हैं, न्यूमेरिकल ढूंढते हैं। हाँ ये दिख रहा है, क्या दिख रहा है, सीपी माइनस सी बी इक्वल टू ए, सी बी माइनस सी इक्वल टू बी, और क्वेश्चन आएगा ऑप्शन में, चार ऑप्शन, ए इक्वल टू बी, ए और बी, ए थ्री ए इक्वल टू फोर बी, या थर्ड ऑप्शन होगा जो भी इसमें क्वेश्चन है, ए और बी रिलेशन बताओ मतलब की। अब जो तो ज्यादा पढ़ते ही नहीं, वो तो कहते हैं सी में सी भी आर होता है, तो ए इक्वल टू बी, डन, पेपर बढ़िया हो गया। पेपर तो किसका कहां बढ़िया हो गया, ए इक्वल टू बी है ही नहीं, तो मुझे बताओ इसमें गलती क्या है। हम केमिस्ट्री में करते हैं और हम फिजिक्स में भी करते हैं, सी बी माइनस सी बी इक्वल टू आर, तो प्रॉब्लम क्या है इसमें, हम ऐसे करते हैं क्या, सी बी माइनस सी बी हाइड्रोजन के लिए तो सही है, नाइट्रोजन के लिए सही नहीं है, नहीं करते, हम बोलते हैं सी बी माइनस सी बी आर होता है, तो मुझे बताओ प्रॉब्लम क्या है इसमें, इसमें तो ऐसा नहीं हुआ, मोलर होता है। कितने लोगों को समझ में आ गया कि वो बड़ा सी होता है, बड़ा सी हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था, क्या होता है, मोलर स्पेसिफिक हीट, और एक होती है छोटा सी, छोटा सी क्या होती है, सिंपल स्पेसिफिक हीट, और मैंने स्टार लगाया है, और क्वेश्चन पूछने वाले की गलती नहीं है, उसने बोला कि मैं यहां मोलर स्पेसिफिक हीट नहीं दे रहा, मैं क्या दे रहा हूं, स्पेसिफिक हीट, तो ये छोटा सी दे रहा है, तो दूसरे बात बात कर रहा था मैं अभी, वो कहता है सर राइटिंग से पता ही लग रहा छोटा सी बड़ा सी है, राइटिंग से तो वहां भी पता ही लगेगा छोटा सी बड़ा सी है, वो तो नाम से पता लगेगा स्पेसिफिक हीट है, समझ में आया यहां तक। फिर मैंने आपको ये बताया कि जो मोलर स्पेसिफिक हीट होती है पी और सी, वो किसके होती है, आर, वो किसी भी गैस के लिए आर होती है, वो कोई चक्कर नहीं है, चाहे कोई मर्जी गैस हो, मोलर स्पेसिफिक हीट तो आर ही होगी। फिर मैंने ये भी बताया था कि जो स्पेसिफिक हीट होती है छोटा सी, जिसको हम नॉर्मल सिर्फ स्पेसिफिक हीट बोलते हैं, वो कैपिटल एम इंटू सी पी होता है, लास्ट टाइम डिस्कस किया था, और इसकी जगह भी क्या लिखेंगे, कैपिटल एम इंटू सी वी, ये टर्म आएगी, तो स्पेसिफिक हीट का जो डिफरेंस होगा वो क्या आ जाएगा, आर डिवाइडेड बाई एम आ जाएगा, और लास्ट टाइम क्लास में बताया था इसकी रेशियो को फिजिक्स वाले स्मॉल आर लिखते हैं, तो स्पेसिफिक हीट का डिफरेंस कैपिटल आर, मोलर स्पेसिफिक हीट वो कैपिटल आर होता है, पर नॉर्मल जो स्पेसिफिक हीट है उनका डिफरेंस आर बाई एम होता है, और हर गैस का कैपिटल एम क्योंकि डिफरेंट है, तो हर गैस का स्मॉल आर भी डिफरेंट है। अब ये कौन सी हीट है, ये दोनों की दोनों स्पेसिफिक हीट है, ये क्या है, ये मोलर स्पेसिफिक हीट है, तो मुझे लगता है समझ में आना स्टार्ट हो गया है कि यहां पर वो छोटा सी पी और सी वी का डिफरेंस दे रहा है, और वो सही है, वो ए और बी इक्वल होगा नहीं, राइट। तो ये स्टेप समझ में आया यहां तक, तो उसने ये बताया कि सी पी माइनस सी वी का डिफरेंस पहले केस में कैपिटल एम हाइड्रोजन के लिए क्या पुट करेंगे, टू, नाइट्रोजन के लिए क्या पुट करेंगे, 28, ये टर्म क्या गिवन है, ए, और ये टर्म क्या गिवन है, तो ए की वैल्यू आर बाई टू, बी की वैल्यू आर बाई 28, रिलेशन निकाल लो, आंसर, बुरा क्वेश्चन नहीं है, जिसका कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर है, छोटे सी और बड़े सी को लेके समझ में आ रहा है यहां तक कैसे है, तो लास्ट लेक्चर समझ में आया कैसे डिजाइन था, किताबों में ऐसा थोड़ी ना है, बुक्स में ये थोड़ी ना चीजें गिवन है, ये तो मैंने अपने हाथ से, मैं मुझे मालूम है ना कि ये चीजें कैसे पूछता है वो, कहाँ फंस, मैं आपको एक और प्रॉब्लम बताता हूँ कहाँ फंसाएगा आपको, देखो अभी नहीं फंसेगा, फंसोगे आगे फंस जाओगे, देखो ये भी सुन लो, यहां भी कंफ्यूजन हो जाती है, मैं दो चीजें बता रहा हूँ जहां कंफ्यूज रहोगे, लेकिन आज के बाद कंफ्यूज होने का चांस नहीं है कोई भी, छोटे सी और बड़े सी की कहानी तो क्लियर हो गई ना, तो अब अपने को कोई दिक्कत नहीं है, तो स्पेसिफिक हीट कहेगा तो वो तो कैपिटल आर होगी नहीं कभी भी, और जो लोग एक्सपर्ट है, अब आप लोग एक्सपर्ट हो ही चुके हो, आप लोग इतना थोड़ी ना करोगे, अब आपको मालूम पड़ जाएगा कि वो स्पेसिफिक हीट का डिफरेंस लेगा, कैपिटल आर तो आएगा नहीं, आपको मन में क्या, आप मन में कैलकुलेट कर लोगे कि जो नॉर्मल स्पेसिफिक हीट का डिफरेंस है वो आर बाय एम होता है, तो हाइड्रोजन के लिए टू है, नाइट्रोजन के लिए 28 है, तो वहीं से ए और बी का एक मिनट बिना पेन को हाथ का आंसर आ जाएगा, व्हाट समझ में आ रहा है, कोई डाउट इसमें। फिर दूसरी कंफ्यूजन का रूल बताता हूँ कहाँ होता है, दूसरी कंफ्यूजन होती है कि अगर मैं बोलता हूँ मोनोटॉमिक गैस की एनर्जी 3/2 kT है, और कभी कभी बोलता हूँ मोनोटॉमिक गैस की एनर्जी 3/2 RT है, कितने लोगों को ये डिफरेंस समझ में आता है कि कब K लगाना है कब R लगाना है, लगता तो है कभी KT कभी RT,
सुनो फिर ध्यान से, लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन एनर्जी हमें ये कहता है, मैं कंफ्यूजन दूर कर रहा हूं, आज के बाद गलती नहीं होगी, मैं गारंटी ये ले सकता हूं इस चीज की, और वो आपको क्वेश्चन पूछेगा इसके ऊपर केटीआरटी पे, ये भी गारंटी ले सकता हूं, तो उसको पता होता है यार पूछने वाले को बच्चा फंसेगा इसमें। देखो केटी और आरटी की लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन एनर्जी को बहुत काम की चीज है। लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन एनर्जी सबसे पहले एक मॉलिक्यूल की बात करता है, पूरी गैस की कभी बात नहीं करता। वो कहता है एक मॉलिक्यूल लो, कोई मोनोटॉमिक या जिसका भी लेना ले लो, जितनी भी डिग्री ऑफ फ्रीडम है, एक डिग्री ऑफ फ्रीडम की एनर्जी क्या होती है, हाफ केटी होती है, ऐसा बोला उसने। और लॉ ने कभी भी एक मोल नहीं कहा, लॉ ने एक मॉलिक्यूल कहा, चाहे मोनोटॉमिक का चाहे डायटॉमिक का। फिर उसने कहा चलो मोनोटॉमिक है, मोनोटॉमिक चाहे डायटॉमिक, डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी है एफ, चलो मोनोटॉमिक की बात करते हैं, डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी है तीन, तो इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे, थ्री से। तो यानी कि मोनो एटॉमिक के अंदर एक मॉलिक्यूल लिखा हुआ है हेडिंग, मैंने एक मॉलिक्यूल की डिग्री ऑफ फ्रीडम तीन होती है, तो उसके पास टोटल एनर्जी एक मॉलिक्यूल की कितनी है, थ्री टाइम हाफ के टी। मैं बार बार लिख रहा हूं, और लास्ट टाइम भी मैंने बहुत स्ट्रेस देके बोला एक मॉलिक्यूल, अब रिकॉर्डिंग सुन सकते हो, बार बार एक मॉलिक्यूल बोल रहा था मैं। और चलो एक काम करते हैं, एक मोल गैस ले आओ, मुझे एक मोल की एनर्जी बताओ, एक मोल में कितने ऐसे आप मॉलिक्यूल लेके लेके आओगे एवोगैड्रोस नंबर जितने। अब मेरे को हेड चेंज करनी पड़ी, मुझे क्या लिखना पड़ा, वन, देखो अब मैंने चेंज कर दिया, अब मैंने बोला वन मोल, अब मैंने ये नहीं कहा एक मॉलिक्यूल, पॉइंट समझ में आया। तो मैंने इसको किससे मल्टीप्लाई कर दिया, एन नॉट से। पर आपकी केमिस्ट्री ये कहती है कि आप एन नॉट को एवोगैड्रो नंबर और बोल्ट्जमैन कांस्टेंट को जब मल्टीप्लाई करते हो तो रिजल्ट क्या बन जाता है, आर बन जाता है, क्योंकि बोल्ट्जमैन कांस्टेंट होता क्या है, आर डिवाइडेड बाय एवोगैड्रो नंबर, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो आर आ जाएगा। तो ये एनर्जी का फॉर्मूला कब लगता है, जब गैस कितनी है, वन मोल। तो याद रखना, अगर आपको किसी फॉर्मूले में आर दिख जाए, आर टी एक मोल की बात हो रही है, अगर आपको के टी दिख जाए तो एक मॉलिक्यूल की बात हो रही है, क्या डिफरेंस है देखो। अब मेरे ख्याल से कभी गलत नहीं होना, ये पॉइंट समझ में आ रहा है। तो ऐसे डायटॉमिक के लिए एक मॉलिक्यूल की 5/2 के टी और मोल की 5/2 आर टी, मेरे ख्याल से क्लियर हो गया। तो अब मोल और मॉलिक्यूल का डिफरेंस हो जाता है क्लियर, राइट, को डाउट इसमें। एक तो सीपीसीवी की कहानी क्लियर हो गई, बड़ा मोलर और सिंपल स्पेसिफिक वहां फंस सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं। दूसरा केटीआरटी की कहानी भी क्लियर हो गई, इसमें फंस सकते हैं, हम नहीं फंसेंगे। अब आपको तीसरा पॉइंट बताता हूं जहां फंसाएगा आपको, वो भी सुनो, आएंगे वो भी क्वेश्चन। ये कहानी समझ में आ गई। अब तीसरी पॉइंट बताता हूं, तीसरा कहां फंसोगे देखो, और अगर ये तीनों पॉइंट्स अगर याद रखोगे ना, एक भी जगह नहीं फंसोगे, एक भी जगह। अब देखना, मैं आपको शीट दूंगा ना ऑब्जेक्टिव, एकदम फटाफट सॉल्व होंगी। तीसरी कहानी सुनो, क्वेश्चन आएगा कि आप मुझे एक मॉलिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी बताओ क्या होती है। मैंने बोला एक मॉलिक्यूल, मैंने पूरी गैस नहीं बोला प्लीज, ठीक है। तो हाफ इनटू किसका मास लें, एक मॉलिक्यूल का, इनटू उसकी वेलोसिटी का स्क्वायर, कोई डाउट इसमें, ठीक है। ये हमने लास्ट टाइम भी किया था। अब वो कहता है कि मेरे को तो पूरी गैस की एनर्जी का फॉर्मूला दो, तो ठीक है, पूरी गैस में बोलो कितने मॉलिक्यूल्स हैं, एन, ठीक है। तो एक मॉलिक्यूल को टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल से मल्टीप्लाई करेंगे, एक मास ऑफ मॉलिक्यूल को टोटल मॉलिक्यूल से, तो टोटल गैस का मास आ जाएगा। अब यहां पर प्रॉब्लम बताया, यहां तो मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं, जो किताब चल रही होगी ना, आधी जनता छोटा एम बड़े एम में डिफरेंस, हाफ एम वी स्क्वायर, हाफ एम वी स्क्वायर, हाफ एम वी स्क्वायर, चलो जितने में क्वेश्चन गलत हो जाएगा आपका,
क्योंकि वो तो क्वेश्चन में चेंज कर गया, छोटा एम का मतलब तो एक मॉलिक्यूल था और कैपिटल एम का मतलब पूरी गैस था। डिफरेंस समझ में आ रहा है दोनों में क्या डिफरेंस है? तो ये ध्यान रखना, वो छोटा एम और बड़े एम में क्या, अगर वो गैस बोलेगा पूरी तो गैस का मास, अगर वो एक मॉलिक्यूल बोलेगा तो एक मॉलिक्यूल का मास। ठीक है यहां तक कोई डाउट इसमें? ठीक। अच्छा अब मैं आपको एक और बताता हूं कहां फंसाता है वो आपको। ठीक देखो वो आपको ऐसे फंसाएगा, ठीक है, एक गैस की जो काइनेटिक एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ, मैंने बिल्कुल नहीं लिखा एक मॉलिक्यूल। देखो आपको ना ये केटीजी की प्रॉब्लम में बहुत ध्यान से पढ़ना है, उसे मॉलिक्यूल दिया या पूरी की पूरी गैस दिया, लोग पढ़ते नहीं और बस और लगा के आ जाएंगे और मजे की बात है, बनाने वाले को ऑप्शन पता है वो स्टूडेंट क्या सोचेगा, वो ऑप्शन ही बनाएगा उसकी। तो मैंने क्या कहा, काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस। तो आप मुझे बताओ फॉर्मूला क्या यूज करोगे, बड़ा एम यूज करोगे ना, टोटल मास यूज करोगे। और अगर मैं ये बोलता हूं कि चलो मुझे काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम निकालो, तो आप दोनों साइड को वॉल्यूम से डिवाइड कर दोगे तो मेरे पास क्या आ जाएगी, हाफ टोटल गैस का मास अपॉन टोटल वॉल्यूम इनटू वेलोसिटी का स्क्वायर, हाफ टोटल मास बाय टोटल वॉल्यूम क्या हो गया टोटल, तो हाफ रो वी स्क्वायर का फॉर्मूला होगा काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ गैस पर यूनिट वॉल्यूम। नोट कर लो ये आने वाले नंबर। देखो ये शीट खत्म हो गई, ठीक है, जो लोग रिकॉर्डिंग सुन रहे हैं वो A77 शीट का प्रिंट आउट लें, और मेरे ख्याल से यही शीट है एग्जांपल ऑफ केटीजी, इसका पहला न्यूमेरिकल एवरेज ट्रांसलेशन एनर्जी से स्टार्ट है, तो ध्यान से प्रिंट आउट लेना, वैसे A77 असाइनमेंट है पर फिर भी नंबरिंग चेक कर लेना। तो एवरेज ट्रांसलेशन एनर्जी वाली मिल गई ना सबको, ठीक है। एवरेज ट्रांसलेशन एनर्जी, देखो जब वो बोलते हैं ट्रांसलेशन तो मेरे माइंड में ना हाफ एम वी स्क्वायर ट्रांसलेशन, वो एच सी वर्मा की थ्योरी, वो ऐसी नहीं, वो दी थी मैंने वो शीट, वो पतली पतली बारीक बारीक सी, वो कुछ था उसमें जब भी मैंने करवाई, नहीं तो मेरे को क्या पड़ी थी यार इतना कुछ, क्योंकि वही सारा कॉन्सेप्ट क्लियर कर रही है ट्रांसलेशन एनर्जी का, और दूसरा कॉन्सेप्ट क्लियर कर रहा है लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन एनर्जी। तो जिसने भी लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन एनर्जी निकाला, हमें शॉर्टकट दिया, वो कैसे किया वो हमारे सिलेबस में नहीं है कि उसने किया कैसे, वो ठीक है ना, वो अच्छा है, तो इधर से किया लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन एनर्जी, उधर से एसी पढ़ ली हमने हाफ एम वी स्क्वायर और सारी कहानी को रिलेट कर दिया, और मेंस बनाने वाले ने और नीट बनाने वाले ने भी ये चीज पढ़ ली और उसने ये कॉन्सेप्ट को देना स्टार्ट किया। देखो कैसे, तो उसने क्या कहा,
एवरेज ट्रांसलेशन एनर्जी, तो ठीक है कुछ हाफ एम वी स्क्वायर की बात हो रही है, किसकी स्पीड एंड आर एम एस स्पीड ऑफ किसकी, मॉलिक्यूल्स की। तो मॉलिक्यूल की कोई काइनेटिक एनर्जी होती होगी, मॉलिक्यूल की मूव करने की कोई आर एम एस स्पीड होती होगी इन अ सैंपल ऑफ, और किसका सैंपल है, ऑक्सीजन का, कितने टेम्परेचर पे, 300 केल्विन पे गिवन है। तो एक मॉलिक्यूल की एनर्जी इतनी है एंड उसकी आर एम एस स्पीड इतनी है, कितने टेम्परेचर पे, 300 केल्विन पे। कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यूज एट 600 केल्विन बताओ क्या होगी, तो कह रहे बताओ उसकी मॉलिक्यूल की एनर्जी और मॉलिक्यूल की आर एम एस स्पीड किसके इक्वल होगी ये बताओ। ठीक है, अब देखो जो हमने वो एच सी की थ्योरी की ना वो आपको बचाएगी, उस बंदे ने साफ साफ लिख के दिया कि मॉलिक्यूल की काइनेटिक फंक्शन ऑफ टेम्परेचर ओनली, दैट सेट। क्वेश्चन आएगा अभी शीट में भी आएगा, मान लो एक गैस है, गैस के अंदर मॉलिक्यूल है, मॉलिक्यूल आपने गैस को दबा दिया, प्रेशर आपने एकदम बढ़ा दिया, तो बताओ उसकी काइनेटिक एनर्जी मॉलिक्यूल की कितनी चेंज हो गई। भाई काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ मॉलिक्यूल इज ओनली फंक्शन ऑफ टेम्परेचर, आप दुनिया की कोई फैक्टर चेंज कर दो, अगर आपने गैस का टेम्परेचर चेंज नहीं किया उसकी काइनेटिक एनर्जी चेंज नहीं होगी। तो कुछ भी चेंज करवा लेगा, बहुत बड़े बड़े न्यूमेरिकल देगा, टेम्परेचर चेंज नहीं करेगा, आंसर विल रिमेन सेम। तो याद रखना कि एक मॉलिक्यूल की जो काइनेटिक एनर्जी है इज अ फंक्शन ऑफ टेम्परेचर, दैट इज इट डिपेंड्स अपॉन टेम्परेचर। पहला स्टेप क्लियर है, ठीक। तो उसने क्या कहा कि मैंने टेम्परेचर को कितना कर दिया, डबल, तो ऑब्वियसली काइनेटिक एनर्जी कितनी हो गई, तो काइनेटिक एनर्जी जितनी भी थी उसको किससे मल्टीप्लाई कर दिया, 2 से, एक आंसर आ गया। ऑब्जेक्टिव शीट है आपकी आने वाली, 25% छोड़ रहा हूं, 75% सॉल्व कर रहा हूं शीट्स में से, मैंने प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर की भी ऐसे की है, 75% में लिखे दिए हैं, 25% आपके लिए दी हुई है, तो आप जब प्रैक्टिस करोगे, अब तो टेस्ट होने हैं ना, तो उस टाइम आप वो करके आना सारी धीरे धीरे साथ करना आप, ठीक। तभी मैं स्लो डाउन करूंगा ताकि थोड़ा उसमें अप करना शुरू करो, ठीक है यहां तक। तो ये पॉइंट समझ में आ रहा है यहां तक, तो एक आंसर मिल जाएगा आपको ऑब्जेक्टिव का। फिर उसने कहा आर एम स्पीड के बारे में क्या ख्याल है, जो आर एम एस स्पीड है उसका फॉर्मूला आप केमिस्ट्री में करते हो, क्या होता है, अंडर रूट ऑफ थ्री आर टी बाय एम, ऐसा कुछ करते हो, अंडर रूट के अंदर टेम्परेचर आता है, इतना ही चाहिए, समझ में आता है। तो वेलोसिटी आरएमएस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट ऑफ टेम्परेचर। तो इसका मतलब क्या हुआ कि पहले केस में वो कह रहा है 484 आरएमएस स्पीड है जब टेम्परेचर 300 है, जब 600 जाएगा तो वेलोसिटी बताओ, डिवाइड कर लो सर। पॉइंट समझ में आया यहां तक, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है याद रखना, ये मैंने सब्जेक्टिव बनाया है क्योंकि इतना टाइम लगता है ऑप्शन लिखने में, तो ये प्रूव दैट नहीं होता, ये ऑब्जेक्टिव की ऑप्शन लिख के लाता हूं मैं। अगर पी प्रेशर ऑफ द गैस है, प्रूव दैट, वो है ऑप्शन एक्चुअल में, प्रूव दैट काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, अभी बात की थी मैंने काइनेटिक पर यूनिट वॉल्यूम की, इसके इक्वल है। अब इधर आ जाते हैं, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ एम वी स्क्वायर, मैंने गलती से छोटा एम लिख दिया, पूरी गैस की एनर्जी है तो यहां पर बड़ा एम कर लेना प्लीज, क्योंकि छोटा एम का मतलब मॉलिक्यूल का मास है, बड़ा एम का मतलब गैस का मास है, राइट। तो प्लीज करेक्शन करना, हाफ बड़ा एम वी स्क्वायर, क्लियर, राइट। इसको वॉल्यूम से डिवाइड कर दें तो ये क्या आ गया, काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, टोटल मास ऑफ गैस अपॉन टोटल वॉल्यूम इज डेंसिटी, मैंने लिख के दिखाया था अभी कि काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम का फॉर्मूला हाफ रो वी स्क्वायर, ये मुझे निकालना है। अच्छा, मुझे रो वी की फॉर्म में एक ही तो फॉर्मूला आता है और वो है प्रेशर का, एवरेज प्रेशर क्या होता है, 1/3 रो वी स्क्वायर, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई, 2 से डिवाइड कर देते हैं, हाफ रो वी स्क्वायर एक तरफ और 2 और 3 एक तरफ, और हाफ रो वी स्क्वायर को एक तरफ रख के 3/2 इधर चला गया, हाफ रो वी स्क्वायर इक्वल टू 3/2p, और ये अभी डिस्कस किया क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, आंसर मार्क कराना 3/2p।
डिस्कस कर लेता हूँ. सपोज करो एक क्वेश्चन है अभी, जैसे क्वेश्चन अभी किसी ने पूछा जो रिकॉर्डिंग सुन रहा है, सुन लो. क्वेश्चन ये पूछा स्टूडेंट ने कि सीपी की वैल्यू या सीवी की वैल्यू किसी भी मोनोटॉमिक गैस की सेम होती है, जबकि गैस तो डिफरेंट भी हो सकती है. और स्पेसिफिक हीट होती क्या है उसकी मोलर की, एक मोल ऑफ गैस को आपको अगर कुछ डेल्टा टी इंक्रीज करवाना है, अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड इज सीपी या सीवी, तो सेम कैसी हो सकती है? ए टाइप की मोनोटॉमिक गैस ज्यादा हीट मांगेगी, हो सकता है बी टाइप की अलग हीट मांगे क्योंकि मॉलिक्यूल डिफर कर रहे हैं जबकि सेम होती है. ठीक, तो रीजन कुछ इस तरीके से है. देखो जो स्पेसिफिक हीट है वो हीट टेकिंग एबिलिटी है बेसिकली, कितनी हीट चाहिए मुझे ताकि टेम्परेचर डेल्टा टी इंक्रीज हो जाए. मान लो मैं आपको तीन तरीके के टैंक देता हूँ, तीन तरीके की बाल्टियां देता हूँ बकेट, मैंने कहा पानी भरना है, एक ए कंपनी की है, एक बी की, एक सी की है, 5 लीटर की तीनों, पानी भरो. कितना भरोगे? 5 लीटर. उसकी पूरी टॉप एंड पर आने के लिए रहेगी तो 5 लीटर ना. अब चाहे जो मर्जी मोनोटॉमिक गैस ले आओ तो बेसिकली उसकी जो कैपेसिटी है हीट लेने की दैट विल रिमेन सेम. लेकिन जब आप डायटोमिक लेते हो तो इमेजिन करो आप 10-10 लीटर की बाल्टी लेके आ रहे हो, तो यानी कि उसकी कैपेसिटी अब डिफर है क्योंकि उसके मॉलिक्यूल के अंदर 2 एटम्स हैं, मोनोटॉमिक के अंदर एक ही है, उनकी नेचर सेम है, इनकी नेचर सेम है. पॉइंट समझ में आ रहा है? तभी तो आप केमिस्ट्री में हीट कैपेसिटी पढ़ते हो, तो हीट कैपेसिटी स्पेसिफिक हीट से रिलेटेड तो होता है बेसिकली. पॉइंट समझ में आ रहा है यहां तक? तो ये पूरा मैकेनिज्म है इसका, राइट? और इसलिए सीपी मोनोटॉमिक का सेम, सीवी सेम, और रेशियो सीपी बाय सीवी गामा भी सेम, तो गामा भी कांस्टेंट ही होगा. तो इस क्वेश्चन के अंदर इफ द मासेस ऑफ ऑल मॉलिक्यूल्स ऑफ गैस आर हाफ, सारे मॉलिक्यूल आधे कर दिए, गैस का मास ही आधा कर दिया, ऐसे बोल दो, यही हो गया, गैस का मास आधा कर दिया, एंड द स्पीड डबल, रेशियो ऑफ इनिशियल एंड फाइनल प्रेशर क्या होगी? अच्छा, प्रेशर का फॉर्मूला तो आता है 1/3 रो वी स्क्वायर. रो का मतलब टोटल किसका मास? मॉलिक्यूल का मास ना, गैस का मास. डेंसिटी इज टोटल मास बाय टोटल, तो लिखना है, लिख लो टोटल मास ऑफ गैस बाय टोटल. तो पहले केस में वेलोसिटी भी है, प्रेशर पी है, दूसरे केस में वेलोसिटी कितनी है? ट्वाइस है. लेकिन गैस का मास, उसने कहा सारे मॉलिक्यूल हाफ कर दिए तो गैस का मास भी हाफ कर दिया. कोई डाउट इसमें? तो यहां पर क्या आ गया? पी डैश. डिवाइड कर लेना पी और पी डैश को हाफ. कोई डाउट इसमें? पॉइंट समझ में आ रहा है? देखो कॉन्सेप्ट क्लियर है, चीज एकदम क्लियर दिखती है. CS is the velocity of sound in air. CS is the velocity of sound in air. And C is the RMS velocity. Prove that sound की speed RMS speed के इसके equal है. तो ये ना result आप कर नहीं पाओगे अभी. ये waves का chapter आने वाला है. Waves में आपको करवाऊंगा. Sound की जो speed होती है ना, वो gamma, air का जो gamma होता है, air का CV by CV into KT by M होता है.
और जो आरएमएस स्पीड होती है वो 3 KT/m होती है। वैसे आरटी आरटी लगा लोगे तो भी चलेगा, आरटी आरटी लगा लोगे तो भी एक ही बात होती है। आपको गेम समझ तो आ गई, आर और के में कोई ज्यादा फर्क तो है नहीं, क्लियर है यहां तक? तो ये फॉर्मूला याद करना पड़ेगा, रिमेंबर लिख लेना, टू बी रिमेंबर्ड, इसका तो कर नहीं सकते, तो प्रूफ ऑफ वेज में करना पड़ेगा। और उसमें क्या पूछा, इसकी रेशियो पूछी, रेशियो के लिए डिवाइड कर दो दिस बाय दिस, फर्क क्या है, गामा और थ्री का ही तो फर्क है, तो गामा बाय थ्री आ गया आंसर आ गया। बस फॉर्मूला याद करना और कुछ भी नहीं। आया हुआ क्वेश्चन, ये आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक। नेक्स्ट है, एट सेम टेम्परेचर, टेम्परेचर अगर सेम है, रेशियो ऑफ एनर्जी पर मॉलिक्यूल ऑफ ओ टू एंड एच टू इज इक्वल टू व्हाट? यार इतना बड़ा लिख दिया उसने, टेम्परेचर सेम है तो काइनेटिक एनर्जी सेम है। ओके पहले मुझे बताओ कि इसमें मतलब कि अगर मैं गैस नाइट्रोजन ले लेता हूं, कोई और ले लेता हूं, फिर आंसर क्या होगा? या हाइड्रोजन ले लेता हूं, सेम होगा? लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन तो कुछ और बोलती है, वो कहते हैं 3/2 KT 5/2 KT, सेम कैसे होगा एनर्जी का फॉर्मूला एटम का? फर्क है क्योंकि O2 और H2 की कौन सी गैसेस हैं? डायटोमिक, सही है। हाँ अब ठीक है, 5/2 KT 5/2 KT, उस चक्कर में पढ़ते नहीं हाफ एम वी स्क्वायर के हम, मैंने लिख जरूर दिया, मेरे को एक्सप्लेनेशन चेंज करनी चाहिए, मुझे लिखना चाहिए ये कौन करेगा इसे हाफ एम वी स्क्वायर से, क्योंकि डायटोमिक का 5/2 KT, चाहे कोई भी डायटोमिक हो 5/2 KT, जब टेम्परेचर सेम है डायटोमिक का तो एनर्जी भी मॉलिक्यूल की सेम है। पर अगर वो कह देता एक मोनोटॉमिक है और एक डायटोमिक, और जबकि टेम्परेचर सेम है तो एनर्जी में फर्क आ जाता, एक में 3/2 KT एक में, तो लिख लेना हिंट इसके ऊपर, बिकॉज गैसेज आर डायटोमिक, तो देयरफॉर इफ टेम्परेचर इज सेम तो काइनेटिक एनर्जी इज सेम, और लिख लेना इफ इट इज मोनोटॉमिक एंड डायटोमिक तो एक जो लिखना लिख लो 3/2 KT और 5/2 KT। इजी क्वेश्चन है, क्या बोला उसने कि रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी ऑफ मॉलिक्यूल्स इन सैंपल ऑफ हीलियम इज, तो हीलियम के लिए लगाया फॉर्मूला, इज 5/7 टाइम्स दैट ऑफ मॉलिक्यूल इन अ सैंपल ऑफ हाइड्रोजन। फिर वो कह रहे हैं इफ द टेम्परेचर ऑफ हाइड्रोजन इज 0 डिग्री सेल्सियस, हाइड्रोजन के ऊपर जो टी है ना इसके ऊपर एरो डाल के लिखो 273 केल्विन, क्योंकि मैंने गलती से ये भी टी ले लिया, ये भी टी ले लिया, तो कैंसिल, आप कैंसिल कर पाओगे इसे, गलत हो जाएगा ये, तो आप लिखो यहां पर दिस टी इज 273 केल्विन, कोई डाउट इसमें? राइट, पॉइंट समझ में आ रहा है यहां तक? तो टी की वैल्यू कितनी है यहां पर 273, और आपको ये टेम्परेचर निकालना है तो निकाल लेना, हीलियम 4 है, हाइड्रोजन 2 है, टेम्परेचर आंसर। मेथड समझ में आ रहा है यहां तक? अब क्योंकि आपको ओरिजिनल टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस में गिवन था और आपका टेम्परेचर किस में चल रहा है, केल्विन, क्योंकि पुट तो केल्विन में करना है, और आपको ऑप्शन वापस किस में मिलेगा, डिग्री सेल्सियस में, तो 273 माइनस करके डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट कर लेना। पॉइंट समझ में आ रहा है यहां तक?
नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ो जरा। केमिस्ट्री का क्वेश्चन है बिल्कुल ही सेम। क्या क्लोज वेसल ए हैविंग अ वॉल्यूम ऑफ वी कंटेन्स एन टू एट प्रेशर ऑफ पी एंड टेम्परेचर ऑफ टी, अनदर वेसल बी हैविंग सेम वॉल्यूम वी कंटेन्स हीलियम एट प्रेशर पी, तो प्रेशर सेम है टेम्परेचर लेकिन टी की जगह टू, रेशियो बताओ मासेज ऑफ एन टू और हीलियम कितना यूज किया। इससे आसान क्वेश्चन क्या मिलेगा, पी वी इक्वल टू एन आर टी, पी इक्वल टू एन आर टी बाई वी, एन क्या होता है नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स का मतलब कितना मास है और कितना मोलर मास है। तो आपने एक बार इक्वेशन बनानी है नाइट्रोजन के लिए टेम्परेचर टी है, एक बार बनानी है हीलियम के लिए टेम्परेचर टू टी है। कह रहे हैं वॉल्यूम सेम है दोनों का, टेम्परेचर टी और टू टी है, प्रेशर सेम है, प्रेशर प्रेशर को इक्वेट करो, यहाँ की रेशियो निकलेगी मासिस की, मोलर मास आपको गिवन है मतलब पता ही होते हैं, आसान है, कोई डाउट इसमें? ठीक। क्वेश्चन है कि आरएमएस वेलोसिटी ऑफ अ पार्टिकल इज वी आरएमएस एट प्रेशर पी इफ प्रेशर इज इंक्रीज टू टू टाइम्स, अगर प्रेशर को बढ़ा दूं तो आरएमएस स्पीड पे क्या क्या फर्क पड़ेगा। बोला मैंने कुछ भी नहीं, आरएमएस स्पीड स्ट्रिक्टली डिपेंड्स अपॉन टेम्परेचर टी ओनली, अगर टी नहीं चेंज हो रहा फिर जो मर्जी बोल चेंज कर ले कुछ नहीं फर्क पड़ता, आंसर सेम रहेगा। राइट, यहां तक क्लियर है? मेडिकल के कितने हैं पता नहीं, कितनी बार क्वेश्चन आया हुआ है, कितनी बार आपको टेम्परेचर चेंज करने से ये नॉन मेडिकल देख लिया अभी आपने। ठीक, नॉन मेडिकल में अच्छे ठीक आते हैं, मतलब नॉर्मल हो जाते हैं, मतलब मेरे को लगता है ये इजी कैटेगरी ऑफ, यहाँ से स्कोर करना इजी है, इजी रहता है करना, तो करना चाहिए इसे। नेक्स्ट देखो, ये असाइनमेंट का क्वेश्चन था जो जेई मेंस में अभी चेंज होके आया। क्या लास्ट ईयर का क्वेश्चन था, आप सुन सकते हो रिकॉर्डिंग, 10,000 स्मॉल बॉल्स, बस हाइड्रोजन की जगह उसने बॉल्स दे दी। कह रहे 10,000 छोटी छोटी बॉल्स हैं, ईच हैविंग वेट ऑफ 1 ग्राम, 1 ग्राम का, 1 g का वेट का मतलब 1 × g है वो। स्ट्राइक्स 1 square centimeter ऑफ एरिया, तो किसी एरिया को हिट करता है 1 cm² पर सेकेंड, पर सेकेंड का मतलब कितनी देर में, 1 सेकेंड में, राइट, विद अ वेलोसिटी ऑफ 100 meter पर सेकेंड, इतनी वेलोसिटी से इन अ डायरेक्शन नॉर्मल, इन अ नॉर्मल डायरेक्शन एंड रीबाउंड विद सेम वेलोसिटी, तो जितनी वेलोसिटी से ये गया उतनी वेलोसिटी से बॉल वापस आ गई। द वैल्यू ऑफ प्रेशर ऑन द सरफेस बिल्कुल सेम नहीं है, मैंने 45 degree, उन्होंने 45 degree दिया, मैंने हेड ऑन दिया, ये ज्यादा आसान है उल्टा, ये एम वी से बॉल गई एम वी से वापस आई, तो चेंज इन मोमेंटम बोलो क्या होगा, 2 mv, 2 mv, एयर, ये तो एक बॉल का है, कितनी बॉल्स हैं 10,000 बॉल्स हैं, तो टोटल चेंज मोमेंटम 10,000 से मल्टीप्लाई कर दिया और कितनी देर में, 1 सेकंड में, तो फोर्स क्या होगा, टोटल चेंज इन मोमेंटम बाय टाइम, टाइम तो 1 सेकंड है, यही फोर्स है, इसको एरिया से डिवाइड करेंगे तो क्या जाएगा, प्रेशर। आंसर क्लियर है यहां तक, कोई डाउट इसमें? पढ़ो जरा क्वेश्चन।
क्वेश्चन इज टू परफेक्ट गैसेस एट एब्सोल्यूट टेम्परेचर टी वन एंड टी टू आर मिक्स्ड, मिक्सचर का क्वेश्चन है। मुझे एक बात समझ में आती है, मिक्सचर सुनते ही काश मिक्सचर का सीवी पूछ ले, मैं लगाऊं मैं चलो नहीं पूछ, फिर मन में आता है सीवी सीपी पूछ ले तो भी ऐसा ही फॉर्म है, फिर वो नहीं पूछेगा मिक्सचर का एफ ही पूछ ले, एन वन एफ वन एम टू एफ टू वो भी नहीं पूछा, अब कुछ भी पूछ ले तो एनर्जी को तो मैं ऐड कर ही सकता हूँ। तो ऐसे ही कुछ उसने करवाया, टेम्परेचर टी वन टी टू है, जो हमारे फॉर्मूलाज है ना मिक्सचर का सी वी, मिक्सचर का सी पी, मिक्सचर का डिग्री ऑफ फ्रीडम, सारों के प्रूफ खोल के देख लो, मैंने टेम्परेचर को सभी में कॉन्स्टेंट रखा है। इसने क्या किया, पूछने वाले ने टेम्परेचर को कॉन्स्टेंट रखा, वो फॉर्मूला नहीं चलेंगे तो कोई बात नहीं, यू का फॉर्मूला फिर भी चलेगा, यू इज इक्वल टू यू वन प्लस यू टू, वो तो चलेगा ही चलेगा। तो वही फॉर्मूले के ऊपर क्वेश्चन है। अब इसमें है क्या कि टेम्परेचर ऑफ मिक्सचर निकालना है इफ मासेज ऑफ मॉलिक्यूल्स आर, अंडरलाइन कर लो प्लीज, मासेज ऑफ मॉलिक्यूल्स आर एम वन एम टू मॉलिक्यूल्स एंड ये अंडरलाइन करो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स एन वन एंड एन टू, ये इंपॉर्टेंट है। नॉर्मली सुनने में लगता है एन वन एन टू आर नंबर ऑफ मोल्स, उसने कहा एन वन एन टू आर नंबर ऑफ, घुमाएगा मोल्स और मॉलिक्यूल में तो खेलेगा, ठीक कोई टेंशन नहीं, क्या फर्क पड़ता है अपने को, पता लगी क्या करना क्या है। तो देखो एनर्जी को तो मिक्सचर का टेम्परेचर निकालना है ना, एनर्जी ऐड कर दो, यू इक्वल टू यू इज इक्वल टू यू वन प्लस यू टू, समझ में आता है। अब एक काम करते हैं, उसने मॉलिक्यूल की बात की ना, अब मॉलिक्यूल की बात करेंगे, मोल की बात नहीं कर रहा ना, तो ये बताओ कि ये जो गैस, हाँ इसमें एक और गड़बड़ है, इसमें पूछने वाले ने ढंग से क्वेश्चन नहीं पूछा, गैस तो बता दे मोनोटॉमिक को डायटॉमिक में ऐड कर रहा है और मिक्सचर मोनोटॉमिक बन रहा है या क्या कर रहा है। तो इसमें मैंने अज्यूम किया कि तीनों जो दोनों गैसेस मोनोटॉमिक हैं, डिग्री ऑफ फ्रीडम 3 और जो आंसर आया वो भी मोनोटॉमिक है, तो मैंने इधर भी 3 ले लिया, पर अदरवाइज चेंज कर सकता है क्वेश्चन कल को, वो ये कह सकता है एक मोनोटॉमिक है दूसरा डायटॉमिक है, फिर क्या करोगे। तो इस वजह से इस क्वेश्चन के अंदर ही दिक्कत है, बट मैं आपको कॉन्सेप्ट बता देता हूं कि मान लो दोनों मोनोटॉमिक हैं, तो मोनोटॉमिक गैस का एक मॉलिक्यूल की, फिर मैं रिपीट कर रहा हूं, मोल नहीं बोला एक मॉलिक्यूल बोला, एक मॉलिक्यूल की एनर्जी क्या होती है, पाई टू के टी वन, मान लो टी वन टेम्परेचर है, कितने मॉलिक्यूल्स हैं, टोटल एनर्जी आ गई गैस की, समझ आया ना ये एन वन और के का चक्कर क्या होता है, राइट। और फिर यहां पर करेंगे तो 3/2 के टी टू और एन टू, और जब ऐड करेंगे नंबर ऑफ मोल्स ऐड हो गए और टेम्परेचर कितना हो गया टी, इक्वेट कर लो टी आ जाएगा आंसर, क्लियर यहां तक, ठीक है टेम्परेचर आ गया मिक्सचर का, ये सही तरीका है, यू इज इक्वल टू यू वन प्लस यू टू, कुछ नहीं याद रहेगा ये तो याद रह जाएगा, ठीक। डिग्री ऑफ फ्रीडम से लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन एनर्जी भी जबरदस्त लॉ है, आधी प्रॉब्लम तो उसी ने ठीक कर दी, नहीं तो वे ढूंढते रहते एनर्जीज बैठ के, ठीक है यहां तक। मैंने ना इसका मेथड 2 लिखा, मैंने बनाने की कोशिश तो की बट कुछ मज़ा सा आया नहीं मेरे को खुद में, लिख दिया बट मुझे लगता है कि शायद गलत सा लिख दिया, पता नहीं आप डिसाइड करो, केमिस्ट्री आप ज़्यादा जानते हो। मैंने क्या किया, मैंने के की जगह फॉर्मूला आर में ले लिया, अब जब मैंने आर बोल दिया तो मतलब मैं एक मोल ऑफ गैस की बात कर रहा हूँ, तो मैंने अपनी तरफ से तो ये किया था कि एक मोल ऑफ गैस ले लेते हैं, और मैं खुद ही भूल गया करते करते कि एन वन नंबर ऑफ मोल थोड़ी ना, मैं करते करते सेकंड मेथड में सोच रहा था एन वन और एन टू नंबर ऑफ मोल्स हैं, तो एक मोल की एनर्जी को नंबर ऑफ मोल से मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, ये प्लीज मेथड को क्रॉस कर लो, मैं खुद ही आपको इतनी देर से लेक्चर दे रहा हूँ और मैं खुद ही गलती कर गया उसमें, तो एन वन एन टू नंबर ऑफ मोल, तो प्लीज ये मेथड नहीं चलेगा, इसमें वही चलेगा। बट देखो डिफरेंस समझ में आपको दिखना स्टार्ट हो गया के टी का और आर टी का, ठीक तो ठीक आंसर चांस की बात है सेम ही आ जाएगा, उसमें आर कट ही जाएगा, उससे फर्क नहीं पड़ रहा, बट सही नहीं है क्योंकि कल को अगर वो क्वेश्चन में ट्विस्ट लेके आता है तो गड़बड़ हो सकती है इसमें, ठीक है। हाँ अगर एन वन एन टू नंबर ऑफ मोल्स होते फिर ना लगता हाफ के टी, फिर क्या लगता, फिर आर टी लगता, क्योंकि एक मोल की एनर्जी पता है तो एन नंबर ऑफ मोल से मल्टीप्लाई करते हैं हम, आंसर चाहे सेम आ जाए वो अलग बात है, आंसर सेम ही आना है क्योंकि एवोगैड्रो नंबर तो हट ही जाना है उसमें से, आंसर में कोई फर्क, तभी तो आंसर मैच कर रहे हैं। और आपकी हेल्प के लिए जो मैंने आपको आज ट्रिक बताया वो मैंने लिख दिया एंड में, क्योंकि आज तो सब याद रहेगा, अगले साल आपको एक भी लाइन याद नहीं रहेगी, कहना चाहिए बट नॉर्मली ऐसा होता है सब भूल जाते हैं,
जब इलेक्ट्रिसिटी प्लस टू की स्टार्ट होती है ना, तो थर्मो ये वो, तो मतलब कोई लिंक ही नहीं, बिल्कुल भी लिंक नहीं। फिजिक्स में तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है, केमिस्ट्री में तो फिर भी ऑर्गेनिक का लिंक है, ए और बी चलो चलता है इकट्ठा पैरल चल, इसमें तो बस ये क्लोज है, क्लोज मतलब टोटली ताला ही लग जाएगा इसके ऊपर, फिजिक्स के ऊपर। अब स्टार्ट होगी इलेक्ट्रिसिटी, उसका तो लेना देना ही नहीं है बिल्कुल भी। और सोचो 8 महीने या 7 महीने कुछ ऑप्टिक इलेक्ट्रिसिटी चलती रहेगी, और फिर जब 8वां 9वां महीना स्टार्ट होगा, फिर कहेंगे थर्मो यहाँ तो परसों, अभी लॉ नहीं याद रहा आपको, लॉ भी कोई पार्टी का नाम लगाना तो बड़ी दूर की बात है, ये शीट्स काम आएंगी, मैं बता रहा हूँ आपको, कुछ नहीं काम आएगा, ये जो लिखी हुई चीज़ें हैं ना, ये सब आपको रिमाइंड करवाई जाएंगी कि हाँ देखो यहाँ लिखा हुआ था, कि वर्बली जो बोल दिया वो तो उड़ गया दिमाग से, लेकिन जो लिख दिया अब आपको याद आएगा कि मोनोटॉमिक और डायटॉमिक गैस के लिए, जब पर मॉलिक्यूल के लिए 3/2 kT मोनोटॉमिक, और पर मोल के लिए एन से मल्टीप्लाई करेंगे 3/2 RT, बताया मैंने आज, और ऐसे डायटॉमिक के लिए 5/2 kT मॉलिक्यूल के लिए और आर में मोल के लिए। समझ में आ गया यहां तक? ठीक, देखो शीट नंबर 871 जो रिकॉर्डिंग सुन रहे हैं, लास्ट टाइम मिली थी शीट, उसका एक क्वेश्चन पेंडिंग था हमारा, तो इस शीट में ये शीट का टॉपिक था लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन एंड फ्यूजन, इसे ओपन कर लो प्लीज। लास्ट टाइम हमने ये डिस्कस किया लेटेंट हीट कैसे यूज करते हैं और कब यूज करते हैं, और एमसी डेल्टा टी कब यूज करते हैं। एमसी डेल्टा टी तब यूज करते हैं जब टेम्परेचर चेंज होता है, स्टेट ऑफ मैटर चेंज नहीं होती। तो जैसे पानी है 10 डिग्री से 20 डिग्री हो गया, तो कितनी हीट आपने उसको सप्लाई की, आप बोलेंगे एमसी डेल्टा थीटा या एमसी डेल्टा टी। लेकिन पानी ने अगर स्टेट ऑफ मैटर चेंज कर लिया तो उस केस में क्या यूज करेंगे, Q इज इक्वल टू ML, याद है मैंने करवाया था, और इसके अंदर ये भी बताया था कि वाटर आइस में कन्वर्ट हो रहा है, तो हीट वाटर में से निकालनी पड़ेगी तभी ठंडा होगा वो आइस जमेगी, और अगर आइस वाटर में कन्वर्ट हो रही है तो हीट देनी पड़ेगी ताकि टेम्परेचर सेम रहे, लेकिन स्टेट ऑफ मैटर चेंज हुआ है तो कितनी हीट देनी पड़ती है, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। तो टोटल हीट अगर अमाउंट ऑफ सब्सटेंस है Q इक्वल टू ML, ये तब लगता है जब वाटर आइस, आइस वाटर का एग्जांपल है, और उसी तरीके से अगर वाटर स्टीम, स्टीम वाटर का एग्जांपल है, तो 100 डिग्री सेल्सियस का एग्जांपल दिया था स्टीम का, स्टेट ऑफ मैटर चेंज हो रही है तो कितनी हीट देनी पड़ेगी, Q इक्वल टू ML वेयर L इज लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। कोई डाउट इसमें? पॉइंट समझ में आ रहा है यहां तक? ठीक है। एक स्टूडेंट पूछ रहा था कि सर ये फॉर्मूला स्टीम पे ही लगता है सिर्फ? नहीं, स्टीम पे नहीं लगता। तो आप नोट लिखना चाहो यहाँ पे प्लीज नोट लिख लो कि ये जरूरी नहीं है कि ये फॉर्मूला तब लगे कि वाटर पहले 100 डिग्री पे गर्म होगा, उबलेगा, तब स्टीम बनेगी, लग सकता है। मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ, सर्दियों का मौसम है, 4 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है सिर्फ, मुझे पसीना आ गया, वो भी तो सूखेगा, पसीना वेपर बन जाता है ना, तो अगर पसीना 4 डिग्री के ऊपर वाटर वेपर बन रहा है, तो वाटर है एम और वेपर बन रहा है, अमाउंट ऑफ हीट उसको कितनी देनी पड़ेगी, Q इज इक्वल टू एम एल वेयर एल इज अगेन नोन एज लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। हाँ ये जरूर अलग बात है, स्टीम वाले केस में लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन और वाले केस में, पसीने वाले केस में लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन की वैल्यू डिफरेंट होगी, बट फॉर्मूला वैलिड है। और अगर आप किसी भी टेम्परेचर पे आप सीधा पानी को वेपर में कन्वर्ट करते हो, बॉइल किए बिना भी हो जाता है, तो भी लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन की गलती है, उसे
फ्यूजन नहीं होगा, वो वेपराइजेशन ही कहलाता है। समझ में आ रहा है यहाँ तो ये मत सोचना कि पानी को 100 डिग्री पे ही लेके जाना पड़ेगा। अगर वो कहते हैं स्टीम बनानी है फिर तो लेके जाना पड़ेगा, अगर कहते नहीं ऐसे उड़ गया तो उड़ गया एमएल लगा दो खत्म। पॉइंट समझ में आया। और कभी कभी बर्फ भी ऐसी जमती है, लेक ऐसी जमती है, लेक जमने का रीजन ऐसा होता है कि बहुत सारे मॉलिक्यूल्स हैं, उनमें से जो टॉप के कुछ मॉलिक्यूल्स हैं वो कोलिजंस लेके बाकियों की एनर्जी लेके उड़ जाते हैं, मैंने बताया था, और बाकी मॉलिक्यूल ठंडे हो जाते हैं। तो सोचो मॉलिक्यूल ले लेके उड़ते जा रहे हैं, बाकी मॉलिक्यूल ठंडे होते जा रहे हैं, टेम्परेचर डाउन डाउन डाउन, और वो जमनी स्टार्ट हो जाएगी। तो जब तक कोई उसमें से हीट निकालेगा नहीं पानी में से, लेक नहीं जमेगी। तो ये भी एक फिनोमेना लेक जमने का कि इसलिए आइस जम जाती है क्योंकि मॉलिक्यूल उड़ जाते हैं, वेपर बनते रहते हैं, और इवेपोरेशन कॉजेज कूलिंग। ठीक है यहां तक? ऐसा ही एक किसी बंदे ने न्यूमेरिकल बना दिया जो आपको भी पढ़ना है। लास्ट न्यूमेरिकल जो था हमारा वो ये था कि देयर इज अ वेसल फ्रॉम विच एयर इज रेपिडली पंप्ड आउट। तो एक वेसल है जिसमें से एयर को रेपिडली पंप किया जा रहा है एट 0 डिग्री सेल्सियस। तो जब एयर निकलेगी तो बीच में वेपर भी निकल आएंगे उसके, तो 0 डिग्री सेल्सियस पे पानी है, इंटेंसिव इवेपोरेशन, इतनी इवेपोरेशन हो रही है इट कॉजेज फ्रीजिंग ऑफ वाटर, पानी जम गया। अब व्हाट पार्ट ऑफ ओरिजिनल अमाउंट ऑफ वाटर, पानी का कितना हिस्सा कैन बी कन्वर्टेड इनटू आइस बाय दिस मेथड, बर्फ में जम जाता है। और अज्यूमिंग इस क्वेश्चन की कंडीशन है जितना पानी है कुछ जो बर्फ जम गया बाकी पानी रखना नहीं है, उड़ जाएगा पूरा। पर ये जरूरी नहीं होता प्रैक्टिकली, मतलब अगर मान लो 10 kg ऑफ वाटर है, 2 kg का आइस है तो 8 kg उड़ गया, ठीक। पर ये नहीं है कि 2 kg आइस है, 3 kg अभी और पानी पड़ा हुआ है बाकी उड़ गया, ये भी हो सकता था। पर इस क्वेश्चन की कंडीशन है बस पानी है वो या तो वेपर बन गया या आइस बन गया, राइट। मतलब कहने का मतलब कैपिटल एम अगर वाटर है एट 0 डिग्री सेल्सियस, उसमें से छोटा एम आइस बन गया, तो बचा कितना एम माइनस एम 0 डिग्री पे, ये क्या हो गया वेपर बन के चला गया। तो क्वेश्चन है कि कितना आइस बन गया, क्लियर यहां तक? तो मुझे ये बताओ कि इसको आइस बनाने के लिए इसमें से हीट निकालनी पड़ेगी, कौन निकाल लेगा? इसके पड़ोस के मॉलिक्यूल निकालेंगे और ये लेके उड़ जाएंगे, वेपर बन जाएगा, उड़ने का मतलब स्टेट ऑफ मैटर चेंज हो गया। तो इसमें से हीट निकालनी है और देनी इनको है, तो यानी कि हीट लॉस्ट, ये लूज करेंगे हीट एम, और कौन गेन करेगा एम माइनस एम। ये हीट बाहर कितनी निकालनी पड़ेगी, ये स्टेट ऑफ मैटर चेंज करे क्यूज इक्वल टू एम एल। अब वाटर आइस में जम गया तो लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, इतनी हीट निकाल दी और किसको दी, बचे हुए पानी को दी, और वो वेपर बन गया, और वेपर बनने के लिए हीट कितनी चाहिए एम माइनस एम इंटू लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। समझ में आ रहा है यहां तक? फॉर्मूला चाहे डिफरेंट है लेकिन एनर्जी इसकी निकाल के इसको दे दी। समझ में आया यहां तक? तो जो पानी आइस में जम गया वो फ्यूजन से होगा सॉल्व, और जो वेपर बन गया वो वेपराइजेशन। तो आपको इस न्यूमेरिकल में लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन और वेपराइजेशन गिवन होगी, आपको सॉल्व करना होगा, आइस का रेशियो निकालना है टोटल मास से, तो ये रेशियो कैन बी कैलकुलेटेड। कोई डाउट इसमें?